हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का हमारा टॉपिक है एफ ई टी ऑपरेशन आज हम देखेंगे एफ ई टी ऑपरेशन क्या होता है जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो कैसे ऑपरेट करता है आज हम उसे देखेंगे सपोज ये हमारा एन चैनल है और यहाँ पर है हमारा सोर्स और ये है हमारा ड्रेन इसको हमने कनेक्ट किया है ठीक है ये मेटल है और उसके साइड को हमने हेविली डॉप्ट किया है पी टाइप से तो पी पॉजिटिव हम लिखेंगे पी पॉजिटिव का मतलब होता है हेविली डॉप करना पी टाइप से फिर उसके बाद उसे हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे सोर्स और ड्रेन को और वो बैटरी होगा हमारा वी डी डी सोर्स को नेगेटिव के साथ और ड्रेन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है फिर उसके बाद ये जो पी पॉजिटिव है उसको भी हमें कनेक्ट करना है अब ये हमारा एन चैनल है ना नेगेटिव टाइप का होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेगा अब ये जो नेगेटिव है उसको हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है यानी कि सोर्स हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा फिर हम यहाँ पर एक और बैटरी कनेक्ट करेंगे दूसरे वाले फिगर में सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं ठीक है फिर उसके बाद बुक में देखेंगे एफ ई टी ऑपरेट कैसे करता है तो ये है हमारा बॉक्स ट्रांजिस्टर और ये एन चैनल है उसको हमने सोर्स और ड्रेन के साथ कनेक्ट किया है अब ये जो सोर्स है उसको हमें नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है ड्रेन को पॉजिटिव के साथ और इसी एन चैनल में से हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा और इसके साइड पर जो है वो पी पॉजिटिव टाइप होगा फिर इस पी पॉजिटिव दोनों को हमें कनेक्ट करना है और उसको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ बैटरी के पॉजिटिव वाले एंड को हमने एन के साथ कनेक्ट किया है और नेगेटिव वाले एंड को हमने पी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है अब यहाँ पर जब करंट फ्लो होगी तब यहाँ पर डिप्लेशन लेयर बनेगा ठीक है तो ये है हमारा वी जी जी वोल्टेज बैटरी का और ये वी डी डी है यहाँ पर हमने एन को पी के साथ कनेक्ट किया है और पी को एन के साथ कनेक्ट किया है तो ये दोनों जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड होगा और यहाँ पर फॉरवर्ड बायस्ड होगा हमारा सोर्स ये हमारा तीसरा फिगर है जिसमें हमने जो है यूज किया है एक एन चैनल को फिर उसको हमने कनेक्ट करना है सोर्स और ड्रेन के साथ अब ये जो सोर्स है उसको नेगेटिव के साथ हमने कनेक्ट किया था ड्रेन को पॉजिटिव के साथ और यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव एंड है पी पॉजिटिव उसको हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ ठीक है कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें एक बैटरी का यूज करना है पहले जैसा ही फिगर है पहला वाला फिगर ही मैं बना रही हूँ लेकिन फर्क इसमें क्या होगा इसमें जो फर्क है वो ये होगा ये हमारा बैटरी वी जी जी है और ये हमारा बैटरी वी डी डी है फर्क जो है वो ये होगा कि ये जो डिप्लेशन लेयर है वो मोटा बन गया होगा और यहाँ पर गेब जो है वो बहुत ही कम बचेगा ठीक है ऐसे बंद हो गया होगा इसलिए इसको हम पिंच भी कहते हैं यहाँ पर जब वोल्टेज होता है इस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है उसको हम पिंच वोल्टेज भी कहते हैं वो हम बुक में देखेंगे बाद में तो ये फिगर क्या बता रहा है ये फिगर बता रहा है इफेक्ट ऑफ रिवर्स बायस ऑन द विथ ऑफ चैनल चैनल के विथ पर रिवर्स बायस का क्या असर होता है Now, हम बुक में देखेंगे एफ ई टी ऑपरेशन इन एन चैनल एफ इ टी द मेन करंट इज कम्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज दे आर मेजोरिटी कैरियर्स इन एन टाइप जो एन चैनल एफ ई टी होता है उसमें मेन करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है ठीक है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है एन चैनल एफ ई टी में मेजोरिटी कैरियर्स है ठीक है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और ये जो लेयर है एन लेयर वो रास्ता देगा मेन करंट के लिए और जो मेन करंट है वो हम रिवर्स बायस अप्लाई करके हमें मिलेगा बोथ एंड ऑफ पीएन जंक्शन यहाँ पर एक पीएन जंक्शन है ना यहाँ पर भी एक पीएन जंक्शन है वहां पर रिवर्स बायस अप्लाई करने पर हमें जो है मेन करंट मिलेगा तो ये एन चैनल है आप देख सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एन वाला हिस्सा ज्यादा है ना पी के कम्पेरिजन में और इसी में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव भी करेगा अगर हम ड्रेन को पॉजिटिव बनाए वी आर कंसीडरिंग एन चैनल और हम जो है एन चैनल को कंसिडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू तो सोर्स सोर्स के रिस्पेक्ट में दैट इज सोर्स इज फॉरवर्ड बायस यानी कि जो सोर्स है हमारा वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा ठीक है क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ हमने कनेक्ट किया है और ऐसे जो है वो क्या होता है ड्रेन हमारा पॉजिटिव हो जाता है ठीक है ड्रेन पॉजिटिव कैसे होगा क्योंकि ड्रेन का वैल्यू ज्यादा है लेस वोल्टेज को हम नेगेटिव कहते हैं ठीक है द मेजोरिटी कैरियर्स इन दी बार इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन तो जो मेजोरिटी कैरियर्स होगा इस बार के अंदर जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो होगा सोर्स से वो ड्रेन की तरफ फ्लो होगा दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन द ड्रेन करंट आईडी और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ड्रेन करंट आईडी जो है वो मेंटेन रहता है जंक्शन बिटवीन द गेट एंड सोर्स रिवर्स बायस जब अगर हम गेट एंड सोर्स के जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे यानी कि ये जो जंक्शन है उसमें पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है और यहाँ पर भी हमने क्या किया है इसको नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है ये दोनों पॉजिटिव है ना उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस्ड हो गया तो क्या होगा जब हम जो है गेट और सोर्स को रिवर्स बायस कर देते हैं गेट और सोर्स आ गया ना यहाँ पर द देथ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस ऑन बोथ साइड ऑफ द चैनल जो हमारा डिप्लेशन रीजन का मोटापा है ये है हमारा डिप्लेशन रीजन वो जो है चैनल के दोनों साइड पर इंक्रीज होता है एंड रिड्यूस द वे ऑफ द चैनल और उसके वजह से ये जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा जो हमारा चैनल का विथ है वो बंद हो जाएगा फिर उसके बाद द डिप्लेशन रीजन कंटेन ओनली ई मोबाइल चार्जेस ये जो डिप्लेशन रीजन है उसमें वो चार्जेस होगा जो कि मूव नहीं कर सकते हैं एंड नो अदर कैरियर सो इलेक्ट्रॉन हैव टू पास थ्रू द चैनल ऑफ रिड्यूस विद और इसमें कोई भी केरियर नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉनस है वो क्या करेगा वो इस पतले से जगह से मूव करेगा ठीक है इस डिप्लेशन रीजन में ई मोबाइल चार्जेस होगा और कोई भी चार्ज केरियर्स नहीं होगा फिर उसके बाद लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉ है वो इस पतले से रास्ते से जाएगा हेंस द ड्रेन करंट डिक्रीजेस जिसके वजह से ड्रेन करंट डिक्रीज होगा क्योंकि रास्ता छोटा हो गया है ठीक है वो लिखा है यहाँ पर और हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि जो चैनल है वो पतला है ड्रेन वाले एंड पर ज्यादा पतला है है क्योंकि रिवर्स बायस जो है इस लेंथ पर पीएन जंक्शन के सेम नहीं होता पोटेंशियल ड्रॉप के वजह से उसके लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसकी वजह से इस लेंथ पर रिवर्स बायस सेम नहीं होगा यहाँ पर ज्यादा पतला बनेगा हमारा रास्ता एस कंपेयर टू दिस वन रिवर्स बायस बिटवीन द गेट एंड द ड्रेन एंड इज मोर देन बिटवीन द गेट एंड द सोर्स एंड जो लेंथ है वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगी ठीक है और जो रिवर्स बायस है गेट और ड्रेन एंड के बीच में वो जो है क्या होगा वो ज्यादा होगा गेट और सोर्स एंड के कंपैरिजन में इसलिए ये वाला हिस्सा ज्यादा पतला बनेगा एस कंपेयर टू ये वाला हिस्सा सोर्स वाले साइड पे जो डिप्लेशन रीजन है उसके कंपैरिजन में फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है लेस वोल्टेज का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव वोल्टेज हम कहते हैं नेगेटिव वोल्टेज का मतलब होता है वो वाला वोल्टेज जो कि कम हो जैसे कि नेगेटिव ऑफ फाइव वोल्ट जो है वो टेन वोल्ट से कम है फाइव वोल्ट जो है नेगेटिव ऑफ फाइव वोल्ट वो टेन वोल्ट से कम है इसलिए उसको हम नेगेटिव कहते हैं ठीक है और उसी तरीके से नेगेटिव ऑफ फाइव वोल्ट जो है वो टू वोल्ट से भी कम है तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव शायद मिस प्रिंट हुआ होगा बाकी आप कमेंट में बता सकते हो आप नंबर लाइन याद रख सकते हो वन टू थ्री ऐसे फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे आता था माइनस टू माइनस थ्री कम होता गया है ठीक है तो यहाँ पर जो है जितना ज्यादा कम होगा वो नेगेटिव होगा एंड जो ज्यादा है वो पॉजिटिव होगा इतना आपको याद रखना है ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको एफ ई टी में काम आएगा तो आपको ये याद रखना है फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है अगर जो रिवर्स बायस है गेट और सोर्स के बीच में उसको हम फर्दर इंक्रीज कर दे तो विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और चैनल जो है वो पतला बनता जाएगा ड्रेन वाले एंड पर ठीक है जहां पर ड्रेन होगी वहां पर ये जो चैनल है मोर एंड मोर पतला बनता जाएगा जब हम रिवर्स बायस को ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे ठीक है वो लिखा है यहाँ पर और एट सफिश लार्ज रिवर्स बाइज द डिप्लीशन रीजन फ्रॉम दी फ्रॉम बोथ द साइड विल एक्सटेंड इनटू चैनल एंड मीट और अगर हमारा रिवर्स बाइज बहुत ज्यादा है तो जो डिप्लीशन रीजन है वो दोनों साइड से एक्सटेंड होके चैनल में क्या कर देगा मीट कर जाएगा दोनों एक दूसरे को ठीक है ये दोनों बिल्कुल मीट कर जाएंगे एक्सटेंड होके दिस पिंच ऑफ ऑल द करंट फ्लो जिसके वजह से जो करंट है वो बंद हो गया इसी रास्ते से तो वो जा रहा था ठीक है तो वो लिखा है यहाँ पर द गेट सोर्स वोल्टेज एट विच पिंच ऑफ ऑफ इज पिंच वोल्टेज वीपी और गेट सोर्स वोल्टेज गेट का वो वाला वोल्टेज गेट और सोर्स का जहाँ पर ये बिल्कुल बंद हो गया उस वोल्टेज को हम कहेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज और उसको हम वीपी के साथ डिनोट करेंगे और यही गेट सोर्स वोल्टेज तो रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहा था ठीक है तो जो मैकेनिज्म है करंट कंट्रोल का वो क्लियरली डिपेंडेंट हो रहा है डिग्री पर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन डिप्ले रीजन एक्सटेंड इन टू द चैनल इलेक्ट्रिक फील जो है वो डिप्लेन रीजन में इ मोबाइल चार्जेस है ना उसके वजह से आ जाता है और चैनल में एक्सटेंड हो जाता है एंड प्रोवाइडिंग एक्सटेंड होने के साथ साथ ट्रांसिस्टर के कंडक्टिविटी को भी वो डिक्रीज कर देता है ठीक है तो ये हमें समझ में आ गया इससे ट्रांसिस्टर एफ ई टी इसलिए इसका फील इफेक्ट ट्रांजिस्टर है क्योंकि क्या होता है है डिप्लेशन रीजन के वजह से ई मोबाइल चार्जेस वहां पे जमा होंगे और उन ई मोबाइल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कंडक्शन जो है वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा इसलिए इसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर जिसको हम एफ ई टी के साथ डिनोट करेंगे तो करंट कंट्रोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है इसलिए इसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और यही है आज का हमारा टॉपिक एफ ई टी ऑपरेशन जिसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट करता है वो हमें समझ आया थैंक्स फॉर वॉचिंग